कृष्णा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर सुरेश भोसले यांच्या संकल्पनेतून साकार करण्यात आलेल्या के बायोमास बद्दल विद्यापीठाचे अतिरिक्त संशोधन संचालक डॉक्टर डी के अग्रवाल आणि डॉक्टर जयंत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. हा मास्क पर्यावरण पूरक असून विषाणूंच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा आहे. चार थरांचा हा मास्क वजनाने अत्यंत हलका असून वापरण्यास अधिक सोयीस्कर आहे. या मास्कच्या योग्य वापराने नागरिक संसर्गापासून दूर राहू शकतील असे यावेळी सांगण्यात आले. सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ. मैं डायरेक्टर डॉक्टर डी के अग्रवाल, रिसर्च सेल कृष्णा अभिमत विद्यापीठ में काम करता हूँ. हमारी विद्यापीठ आदरणीय डॉक्टर सुरेश भोसले चांसलर और चेयरमैन हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं और उनकी ऐसी अपेक्षा रहती है कि विद्यापीठ नए नए रिसर्च में काम करे. हर विद्यापीठ का काम शिक्षण देना होता है और हर हॉस्पिटल जो विद्यापीठ से जुड़ा रहता है उसका काम मेडिकल हेल्थ केयर का होता है, जो सभी लोग करते हैं. लेकिन उसके अलावा हम क्या करते हैं, तो हम रिसर्च भी करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च करते हैं. आज जो रिसर्च हमने आपको दिखाया बायोमास के द्वारा और स्टरलाइजर के द्वारा, ये कोई हमारे बिजनेस के लिए नहीं दिखा है. ये हमारा रिसर्च है, ये हमारा नॉवल्टी आइटम है जो कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होकर जाएगा. और जैसे डॉक्टर जयंत पवार से आपने क्वेरी किया था कि ये मास्क कितने दिन में उपलब्ध होगा, तो मास्क हम लोग कोई मार्केट में बेचने नहीं जाएंगे. हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी जो क्रिएट किए हैं, रिसर्च क्रिएट किए हैं, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम किसी दूसरे को करेंगे, किस शर्तों के आधार पर करेंगे. सो दैट सोसाइटी में जो मास्क समझो 5 रुपये का भी कोई पहनता होगा, तो वो 5 रुपये का नहीं 1 रुपये पर डे पे हम लाना चाहते हैं. जहाँ हम ये बोलते हैं कि ये 90 टाइम्स हम इसको वॉश कर सकते हैं, मतलब एक मास्क हम 3 मंथ यूज़ कर सकते हैं. जहाँ हम ये बोलते हैं कि ये कंफर्ट देता है, हम जो सांस लेते हैं दूसरा मास्क पहन के, तो जो डिस्कम्फर्ट हमको होता है उससे इसके फ्रेग्रेंस इसमें जो दिया गया है उससे कम्फर्टेबिलिटी होती है. ऐसे ही जो स्टरलाइजर भी हमने जो बनाया है, स्टरलाइजर बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन हमने उसकी नॉवल्टी दी है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी से ब्लेंड किया है. ये कोई एकदम न्यू रिसर्च नहीं है, दिस इज़ ए ब्लेंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. ये ऑलरेडी है, लेकिन हमने अपने तरीके से उसको ब्लेंड करके और उसमें क्या नॉवल्टी हम दे सकते हैं, ये दोनों आइटम में हमने देने की कोशिश की है. और कृष्णा अभिमत विद्यापीठ समय समय पर डॉक्टर सुरेश भोसले जी हमको जैसा मार्गदर्शन देंगे, अभी जैसा उनने हमें बताया है कि हम इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए, ऐसे लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लाते समय डाइल्यूट ना करें, उसका स्टैंडर्ड कम ना करें और कम से कम कॉस्ट में ये दोनों ही प्रोडक्ट उसके कंज्यूमर तक पहुँचे. क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारे चेयरमैन सर का उद्देश्य, इस अभिमत विद्यापीठ के हॉस्पिटल का उद्देश्य पैसा कमाना कभी नहीं रहा और ना कभी रहेगा. हमारा काम है हम सोसाइटी तक अच्छे अच्छे काम के साथ में पहुँचें जिससे सोसाइटी बेनिफिट रहे. थैंक यू वेरी मच.